हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल दावते हिंद में। आज हम एक टी टाइम स्नैक बनाने वाले हैं जो कि 2 मिनट में बनेगी, आप सभी के घर में इजीली अवेलेबल होगा वो इंग्रेडिएंट। आज हम बनाएंगे स्वीट यानी के मीठे डोसा जो कि व्हीट फ्लोर से बनेगा, गेहूं के आटे से। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे 1/2 कप गुड़ पाउडर, आप क्रश्ड गुड़ भी यूज कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे गुड़ पाउडर यूज किया है, एग्जैक्टली 1/2 कप लिया है मैंने। गेहूं का आटा मैंने लिया है 1.5 कप। हम इसमें डालेंगे बड़ी सौंफ, ये एक्सेप्शनल है, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बेकिंग सोडा, इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। पानी अराउंड मैंने 1/2 कप यूज किया है, डोसा बैटर के इतना कंसिस्टेंसी होने तक आपको पानी मिलाना है उसमें। इसमें हम और पानी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे एक बार हम टेस्ट कर लेंगे, अगर आप स्वीट लवर हो तो इसमें और गुड़ पाउडर डाल सकते हो, इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं बट इसे हेल्दी रखने के लिए मैंने गुड़ पाउडर यूज किया है क्योंकि गुड़ ज्यादा बेटर है शुगर से। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस कंसिस्टेंसी तक हमें इसे मिक्स करके लेना है और अकॉर्डिंगली पानी भी डालना है इसमें। यह आपका बैटर रेडी है, इसे हम बनाएंगे। एक पैन या तवा गरम पे रखेंगे, आपको ध्यान रखना है इसमें ऑयल नहीं डालना है, डायरेक्टली हम लोग ये जो बैटर है ये डालेंगे। आपको जितना बड़ा डोसा चाहिए आप उतना बना सकते हो। डोसे का बैटर पैन पे डालने के बाद आपको उस पर ऑयल डालना है लाइटली चारों ओर से। ये जो बैटर है बहुत ही स्टिकी टाइप का होता है, इसको बहुत ध्यान से आपको निकालना पड़ेगा तवे से। इसे हमें थोड़ा सा ऐसे उठा के चेक करना है, ये जो गेहूं का आटा है बहुत ही स्टिकी होता है तो इसे हमें डोसे को हमें चारों ओर से पहले ऐसे थोड़ा निकालना है। आप नॉन स्टिकी पैन भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे तवा यूज किया है। इसे हम ऐसे पलट देंगे, अगर आपको स्पून से अगर टफ जा रहा है तो आप हाथ से उठा के डायरेक्टली पलट सकते हो। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, दूसरी साइड से भी हम अच्छे से पका लेंगे इसे। और इसे अच्छे से हमें दोनों साइड से ऐसे पका कर लेना है। इसे भी हम ऐसे टिश्यू पर निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम बाकी भी बना के लेंगे। ये डोसा रेडी है खाने के लिए बट आप इसे हनी के साथ डेकोरेट कर सकते हो या चॉकलेट सिरप डाल सकते हो, बट इसे हम हेल्दी रखेंगे। मैं इस पे हनी डालूंगी थोड़ा, टेस्ट और बेटर आ जाएगा। ये एक्सेप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए हनी। डेकोरेशन के लिए थोड़े से चॉप्ड पिस्ता लिए हैं मैंने, वो डाल दूंगी मैं इसमें। ये सारे डेकोरेशन की चीज जो है वो एक्सेप्शनल है, आपको अगर ऐसे सर्व करना है तो आप कर सकते हो। इसे हम अब चाय के साथ सर्व करेंगे। ये आपका रेडी है स्वीट इंस्टेंट डोसास, या आप कह सकते हो इसे गेहूं के आटे के चीले। अब इसे हम टेस्ट करेंगे, यम्मी। ये आप लोग घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में नए रेसिपी।